नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिशन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में पिछले 7 साल से एज अ साइकियाट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है स्कूल रिफ्यूज़ल, जिसको कॉमनली स्कूल फोबिया, स्कूल एंग्जाइटी, मतलब स्कूल में जाने से डर लगना। अभी स्कूल्स शुरू हो गई है, बहुत सारे पेरेंट्स को सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि हमारे बच्चों ने स्कूल में रेगुलरली जाना चाहिए। स्कूल फोबिया या स्कूल रिफ्यूज़ल ये कॉमन प्रॉब्लम है, 1-2% बच्चों में ये होता है। इसके मुख्य मुख्य लक्षण क्या है कि एक तो स्कूल में न जाना, स्कूल में जाते वक्त बहुत ही भय, डर, फोबिया या एंग्जाइटी होना, जैसे स्कूल का नाम लिया और स्कूल जाने का समय आ गया कि पेट दर्द होना, सर दर्द होना, हाथ पाँव में दर्द होना, चिड़चिड़ करना, मारामारी करना, या बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं कि यहाँ से निकलते तो है लेकिन बीच में ही कहीं और चले जाते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स स्कूल रिफ्यूज़ल, स्कूल फोबिया, स्कूल एंग्जाइटी के हैं। स्कूल रिफ्यूज़ल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके कारण क्या है, क्यों बच्चे स्कूल में जाने से डरते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अंडरलाइंग कॉज जब तक हम ढूंढेंगे नहीं तब तक इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है। जो कॉमनेस्ट कॉज है स्कूल रिफ्यूज़ल या स्कूल फोबिया के, वो है स्कूल में बुली होना बाय टीचर, बाय सम सीनियर स्टूडेंट। अगर किसी सीनियर स्टूडेंट ने या टीचर ने बुली कर दिया, डांट दिया, चिढ़ा दिया, रिक्शा वाले ने, ऑटो वाले ने, किसी ऑनगोइंग जो क्लास में बच्चे होते हैं उन्होंने डांट दिया या बुली कर दिया, फिजिकली टॉर्चर कर दिया, तो ऐसे वक्त बच्चों के मन में डर बैठ जाता है और बाद में वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है साइकेट्रिक इलनेस। बहुत सारे बच्चों में कुछ ना कुछ साइकेट्रिक बीमारी या साइकेट्रिक कंडीशन होती है जो अनफॉर्चुनेटली डायग्नोस नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, तो उसके कारण भी बच्चों में स्कूल रिफ्यूज़ल हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब बच्चों में जो लर्निंग का जो प्रॉब्लम है उसमें डिफ़िकल्टी होना। दूसरा है मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तीसरा है एंग्जाइटी। चौथा है डिप्रेशन। बहुत सारे बच्चों में अंडरलाइंग कुछ ना कुछ डिप्रेशन की समस्या होती है और उस कारण भी बच्चों को स्कूल में जाने से डर लगता है। घर में वातावरण डिस्टर्ब होना, उस कारण बच्चों में एक निगेटिव इंप्रेशन हो जाता है। पेरेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, अगर पेरेंट्स फर्म नहीं है और पेरेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू है, ऐसे वक्त भी बच्चे स्कूल में जाने से डरते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेडिकल कंडीशन। बहुत सारे बच्चों में मेडिकल कंडीशन भी होती है जिस कारणवश बच्चों में बराबर डायग्नोस नहीं हो पाता और बच्चे फिर स्कूल जाने से हिचकिचाते हैं। कुछ कुछ बच्चों में लगातार स्कूल में शिफ्ट होने के कारण, लगातार स्कूल बदलने के कारण भी डर तैयार हो जाता है। कुछ कुछ बच्चों में एग्जाम्स का डर रहता है, जैसे ही एग्जाम आई बच्चे बोलते मैं स्कूल जाऊंगा नहीं, मैं एग्जाम दूंगा नहीं। बहुत सारे बच्चों में सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, इतना ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है उनका पेरेंट्स के साथ कि वो वहाँ से सेपरेट होने को, घर से बाहर निकलने को, स्कूल जाने को डरते हैं। बहुत सारे बच्चों में एंग्जाइटी होती है, उनको लगता है कि यदि मैं स्कूल चले गया तो मेरे पेरेंट्स को कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों में पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है और इसीलिए उनको स्कूल जाने को डर लगता है, क्योंकि स्कूल जाके उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी तो उन्हें बिल्कुल पढ़ाई पसंद नहीं है और इसलिए वो स्कूल जाने से डरते हैं। ये सभी कारणों की वजह से बच्चों में स्कूल रिफ्यूज़ल होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो मैंने बताया पहले ही कि मैं बुलिंग होना, बुलिंग के कारण बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं। स्कूल रिफ्यूज़ल या स्कूल फोबिया के जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है, देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि अगर अंडरलाइंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तो बाद में डिप्रेशन हो सकता है। बच्चों को लगता है कि मैं बाकी बच्चों से पीछे चले गया, उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है जो स्कूल में होती है वो नहीं हो पाती। बहुत सारे बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अकेले अकेले बैठते हैं, उनके दोस्त नहीं बन पाते। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है स्कूल में वो है बॉन्डिंग। बाकी बच्चों से अगर बॉन्डिंग न हो पाई तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में जाते नहीं
वो एएसपीडी भी बन सकते हैं। एएसपीडी मतलब एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर स्कूल में वो गए नहीं तो उनकी जो एनर्जी है वो बाकी धंधों में चैनलाइज हो जाती है, जैसे ऑनलाइन गेम्स खेलना, वीडियो गेम खेलना, कहीं पार्लर में जाना, कहीं सिगरेट पीने जाना, कहीं स्मोकिंग करना, गलत बच्चों में इन्वॉल्व होना, एंटी सोशल चीज़ें करना। इसलिए जितने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही बच्चे स्कूल में जाने को रिफ्यूज़ करते हैं उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करके उनकी स्कूल वापस रिज्यूम करनी चाहिए। जितना लंबा आप टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही बच्चों को स्कूल में वापस भेजने में प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए ये कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान में हमने हमेशा रखने चाहिए। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। स्कूल रिफ्यूजल का ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जानना जरूरी है कि अगर पेरेंट्स के बोलने पर बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं तो आपने साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाकर बच्चों का और पेरेंट्स का खुद का ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द एक्शन लेना। पेरेंट्स का फर्म होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना बच्चा और डिफिकल्ट जाएगा बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए। इसलिए आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट के द्वारा काउंसलिंग करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज। बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जा रहे, क्या उन्हें कोई साइकेट्रिक बीमारी है, क्या उन्हें कोई बुली कर रहा है, क्या उन्हें कोई तकलीफ दे रहा है, क्या उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्या उन्हें डिप्रेशन है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम अंडरलाइन कॉज ठीक करेंगे तब बच्चे खुशी खुशी स्कूल में जाएंगे। अगर बच्चों को कोई बुली कर रहा है, बच्चों को कोई तकलीफ दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है, ब्लैकमेल करना है, ऐसे वक्त पेरेंट्स, काउंसिलर, साइकेट्रिस्ट और टीचर का इंटरेक्शन होना, लियासन होना, कैमराडरी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स ने खुद स्कूल में जाकर टीचर से, प्रिंसिपल से इंटरेक्ट कर अपना प्रॉब्लम शेयर कर ये बताना चाहिए कि यदि बच्चा स्कूल में खुद से नहीं आता है तो हम स्कूल में बैठेंगे, हम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, और ऐसे वक्त टीचर और प्रिंसिपल भी उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअल सेंसिटाइजेशन मतलब यदि बच्चा स्कूल में जाने से डरता है तो स्कूल के बाद आधा एक घंटा पेरेंट्स ने जाना, वहाँ बच्चों को बिठाना, बाद में फिर धीरे धीरे एक एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, बाद में फिर आधा घंटा स्कूल में बैठना, एक घंटा बैठना, दो घंटा बैठना, तीन घंटा बैठना, इसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल सेंसिटाइजेशन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्म रहना पेरेंट्स का, पेरेंट्स का मोटिवेशन करना विल डू वर्क वंडर्स। बहुत पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, हम बच्चों को नहीं जाने देंगे, वो एक महीने बाद खुद ब खुद स्कूल में जाना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। जितना टाइम हम ज़्यादा खींचेंगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा बच्चों को स्कूल में ज्वाइन करने के लिए। जो पेरेंट्स को लगता है कि हम स्कूल चेंज कर देंगे, हम बच्चों को बोर्डिंग में भेज देंगे, हम घर पे ही ट्यूशन लगाएंगे, वो पूरी तरह गलत है। जैसे मैंने पहले ही कहा, फर्म रहना पेरेंट्स को बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल चेंज करना, बोर्डिंग में डालना, घर पे ट्यूशन लगाना, ये स्कूल को रिप्लेस नहीं कर सकते। कुछ कुछ बच्चों को, अगर जिनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, उनको काउंसलिंग की और उनको दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल रिफ्यूज़ल में ट्रीटमेंट लेना, साइकेट्रिस्ट को मिलना और जल्द से जल्द बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। जिन भी बच्चों को स्कूल रिफ्यूज़ल का प्रॉब्लम है उन्होंने साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए और ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी बच्चों को और पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।